गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछले बार हमारा चैप्टर जो था टोबैको इज अ साइलेंट किलर, उसमें हमने पढ़ा था कि टोबैको में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसकी वजह से हमें कौन कौन से हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं, टोबैको के कौन कौन से इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। और आज हम पढ़ेंगे कि टोबैको की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, जैसे कि कैंसर और अदर डिजीज़। इट्स अ साइलेंट किलर। लंग कैंसर इज़ कॉज्ड बाय द टार इन टोबैको स्मोक। लंग कैंसर जो है, यानी कि हमारे लंग्स में जो कैंसर हो सकता है, वो टार की वजह से, यानी कि टार, यानी कि जैसे हम रोड पे जो काला काला टार देखते हैं, वो हमारी लंग्स में इकट्ठा हो सकता है अगर हम सिगरेट पीते हैं तो। वो टोबैको को स्मोक करने से हो सकता है। पीपल हु स्मोक आर 10 times मोर लाइकली टू डाई फ्रॉम लंग कैंसर देन नॉन स्मोकर्स। वो लोग जो स्मोक करते हैं, यानी कि सिगरेट पीते हैं या फिर तंबाकू खाते हैं या फिर जो बीड़ी पीते हैं, वो लोगों को ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको लंग कैंसर हो, वो लंग कैंसर से मर जाएं, एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर, यानी कि जो स्मोक नहीं करते हैं। द मिक्सचर ऑफ निकोटीन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इन ईच सिगरेट स्मोक temporarily increases heart rate and blood pressure, which strains the heart and blood vessels. अब क्या होता है, जो जो लोग स्मोक करते हैं उनकी बॉडी में निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है सिगरेट की वजह से, उनका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर जो होता है उनके हार्ट को और ब्लड वेसल्स को स्ट्रेन करता है, मतलब उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है। दिस कैन कॉज अ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक भी आ सकता है या स्ट्रोक भी आ सकता है। स्ट्रोक भी एक तरह की बीमारी होती है जिसमें हमारी ब्लड वेसल्स हमारे दिमाग में या हार्ट के आसपास की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो वेन्स या आर्टरीज होती हैं, उनको जो है ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से स्ट्रोक आ सकता है। It slows the blood flow, cutting off oxygen to feet and hands. Some smokers end up having their limbs amputated. अब क्या होता है, It slows the blood flow. इससे क्या होता है, ब्लड फ्लो भी जो होता है, ब्लड जो हमारी पूरी बॉडी में जा रहा होता है वो भी कट ऑफ हो जाता है, ऑक्सीजन जो होता है वो भी कम हो जाता है। कहाँ पे, फीट और हैंड्स में, हमारे पैरों में और हमारे हाथों में, जिसकी वजह से कभी कभी क्या होता है, जो स्मोकर्स होते हैं, जो सिगरेट पीते हैं या बीड़ी पीते हैं, उनकी कभी कभी लिम्स होते हैं हाथ और पैर, एम्पुलेट करने पड़ते हैं। एम्पुलेट मतलब काटने पड़ते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड डिक्रीजेज ऑक्सीजन सप्लाई टू द मसल्स इन ब्रेन, मेकिंग दीज ऑर्गन स्ट्रेस्ड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन की कमी के साथ जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, वो हमारे ऑक्सीजन की सप्लाई मसल्स और ब्रेन में बहुत कम कर देता है। क्या कर देता है, उसकी वजह से हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। हमारे ऑर्गन्स यानी कि लंग्स हो गए, स्टमक हो गया, हार्ट हो गया, हमारे लीवर हो गए, किडनीज हो गए, उसकी वजह से वो स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, मतलब उन पर ज़्यादा असर पड़ता है। Emphysema is an illness that slowly rots the lungs. People with emphysema often get bronchitis and suffer lung and heart disease. Emphysema is an illness. Emphysema एक तरह की बीमारी होती है जिसकी वजह से lungs जो होते हैं rot होते हैं। Rot होता है सड़ना, जैसे आप घर में सब्जियां सड़ते हुए या फ्रूट्स सड़ते हुए देखते हो, एम्फीसीमा भी एक तरह की बीमारी होती है जिसमें लंग्स जो होते हैं वो सड़ जाते हैं। और जिन लोगों को ऐसी बीमारी होती है उनमें क्या होता है, ब्रोंकाइटिस की बीमारी हो सकती है या लंग्स और हार्ट की डिजीज़ हो सकती हैं। सिगरेट स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ लो बर्थ वेट एंड इवन प्रीमैच्योर बेबीज। अब अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन, उसके आसपास कोई ज़्यादा स्मोक करता है या वो प्रेग्नेंट वुमन स्मोक करती है, तो उसकी प्रेगनेंसी के रिस्क जो होता है वो बहुत बढ़ जाता है, यानी कि उसका जो बेबी है उसका वेट बहुत कम हो जाता है, मतलब बेबी का जो वेट होता है, उसका जो वज़न होता है बेबी का, वो बहुत कम हो जाता है। और या तो बेबी जो है तब प्रीमैच्योर पैदा होता है, यानी कि जैसे आपने सुना होगा कि 9 महीने का बेबी होता है तो या तो 8th month में ही पैदा हो जाता है या 7th month में ही पैदा हो जाता है। इवन पैसिव स्मोकर्स, यानी कि वो स्मोकर्स जो किसी मतलब जैसे कि हम लोग स्मोक नहीं करते हैं, लेकिन हमारे घर में कोई स्मोक करता है और हम उसके साथ बैठे हुए होते हैं, तो हमें पैसिव स्मोकर बोला जाएगा। इवन पैसिव स्मोकर्स इनहेलिंग स्मोक बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी टू स्मोकर, यानी कि हम जो लोग होते हैं जो किसी स्मोकर के साथ बैठे हुए होते हैं, अब हम भी तो वहाँ पे सांस ले रहे हैं, लेकिन उसका जो स्मोक है, जो उसका धुआं है, वो भी हमारे अंदर जा रहा है।
also run the risk of developing many diseases in comparison to active smokers. Active smokers वो होते हैं जो smoke करते हैं, जो लोग सिगरेट बीड़ी वगैरह पीते हैं, लेकिन हम अगर उनके साथ बैठे हुए हैं तो हमारे अंदर भी वो धुआं जाता है, इसलिए हमारे को पैसिव स्मोकर बोलते हैं. तो हमारे लिए भी वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है. पीपल हु स्मोक रन अ हायर रिस्क ऑफ कैंसर, लेकिन जो लोग सिगरेट या बीड़ी पीते हैं उनको ज़्यादा रिस्क है कैंसर का. इन कश्मीर पीपल कंज्यूम टबैको बाय इनहेलिंग स्मोक फ्रॉम द हुक्का विच इन द नेटिव लैंग्वेज इज कॉल्ड जजीर. अब वो लोग जो हमारे कश्मीर में हुक्का वगैरह पीते हैं, जिसको हम जजीर बोलते हैं, वो लोग उस तरीके से टबैको इस्तेमाल करते हैं.